हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस जैसा शायद ही आप में से कभी किसी ने सुना होगा। रिवेंज यानी बदला। रिवेंज लेने के लिए इंसान किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है जो आज की हमारी कहानी के अंदर हुआ? आइए बढ़ते हैं और देखते हैं एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस जो शायद ही आप में से किसी ने कभी सुना हो। कहानी में आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कोई रियल इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है या फिर हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इन दिए गए हैंडल्स के ऊपर। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी में। तो ये जो कहानी है ये है यूपी से। तो यूपी के सरसपुर शिकोहाबाद से ये कहानी है जो शेयर किया हमारे साथ अनूप ने, और उनके कजन ब्रदर के साथ ये सब हुआ जिनका नाम है कौशल। जब कौशल का बर्थ हुआ था तो उसके जन्म के टाइम पर ही उसकी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके एंड पर उसके स्किन पे एक छोटा सा दाना सा था, बिल्कुल एक मक्के के दाने के बराबर, जो मेज सीड होता है, बिल्कुल उसके साइज का एक छोटा सा उसके स्किन के ऊपर उभार सा था। तो छोटा बच्चा है, पैदा होता है जब, कभी कभी ऐसा कुछ बच्चों के अंदर ऐसे छोटे छोटे डिफेक्ट्स होते हैं। तो लोगों ने, उससे 2-3 महीने का हुआ तो उसका जो दाना था उस दाने का साइज बढ़ना शुरू हो गया। फिर से सबने देखा तो उन्होंने इग्नोर किया कि ठीक है, अपने आप ही एज के साथ शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो करीबन 5-6 महीने का हो गया तो उसका जो वो दाना था वो एक छोटी जो बॉल होती है ना टेबल टेनिस खेलने वाली, उस साइज का वो ट्यूमर हो चुका था। तो गांव में कुछ लोग हैं पढ़े लिखे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार तुम लोग ना रिस्क मत लो, ये ना कैंसर का ट्यूमर हो सकता है, तुम एक काम करो इसको आगरा ले जाकर दिखाओ। तो आगरा का जो सिटी हॉस्पिटल है वहां पर तुम इसको ले जाके दिखाओ। लकीली जब इन्होंने डिसाइड किया आगरा जाकर उस बच्चे को दिखाने का, तो उस टाइम पर एम्स दिल्ली के एक सर्जन वहां पर आए हुए थे जिनका नाम था ऋषि, और उन्होंने उनको बेसिकली कैंप लगा हुआ था एक, तो वहां पर वो गए, उन्होंने वहां पर दिखाया। तो डॉक्टर ने जब देखा तो 5 सर का ट्यूमर है और इसको निकालने के लिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो घर वाले घबरा गए कि छोटे से बच्चे को कैंसर का ट्यूमर हो गया, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, बस तो जाएगा ना। तो बोला अरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं हो सकता है। तो उन्होंने साहब क्यों? बोले अभी क्या है ना, इसका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत कमजोर है, अगर इसका ऑपरेशन किया और छोटा सा भी कोई ऊपर नीचे गलती हो गई तो इसको लाल केस तक इसका नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट पूरा डेवलप हो चुका होगा। तो जब तक ये 8 साल का नहीं हो जाता है तब तक इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब इसका हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो तब तक बस आप इसका थोड़ा ध्यान रखें, बाकी ऐसी इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो घर वालों ने डॉक्टर साहब की बात को फॉलो किया और उस बच्चे का बहुत ध्यान रखा। धीरे धीरे उसकी एज बढ़ने लगी और उसकी एज के साथ साथ उसका जो ट्यूमर था उस ट्यूमर की साइज भी बढ़ने लगी। 7 साल की उम्र था वो एक क्रिकेट बॉल की साइज का हो चुका था, और उस ट्यूमर की वजह से उस बच्चे का जो एक पैर था उस पैर में भी टेढ़ापन आना शुरू हो गया था। शायद उस ट्यूमर की वजह से कोई एक नर्व थी जो दब गई थी और अब उसकी वजह से वो बच्चा थोड़ा बहुत लंगड़ा के चलने लगा था। उसके ये सिम्टम्स देखकर घरवालों ने सोचा कि अब तो इसका ऑपरेशन जल्दी जल्दी करवाना होगा, लेकिन डॉक्टर ने 8 साल से पहले ऑपरेशन करवाने को मना किया था। जैसे ही वो 8 साल का हुआ वो लोग पहुंचे एम्स दिल्ली, उन्होंने डॉक्टर से मिला, उनको वापस सारी बातें याद दिलाई कि ऐसे ऐसे हम लोग आपसे मिले थे और आपने कहा था कि जब ये 8 साल का हो जाएगा तब इसका ऑपरेशन करेंगे। तो डॉक्टर ने उसको वापस से पूरा इन्वेस्टिगेट किया उसके केस में, और बेसिकली उसका जो वो जो बॉल साइज की उसकी जो ट्यूमर बन चुकी थी उसको हटाने के लिए ऑपरेशन ही सजेस्ट किया। 8 फरवरी 2021 को उसके उस ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया, उस ट्यूमर को वहां से हटाया गया और घर वालों को दिखाया भी गया, तो वो बिल्कुल एक वूल होती है ना, ऊन जो होती है उसकी तरह का एक गुच्छा सा था, और उसके बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया। उस ऑपरेशन के बाद उसको रिकवर करने में करीबन 20-25 दिन लग गए। 20-25 दिन बाद वो ठीक हो चुका था, उसका ट्यूमर वहां से हट चुका था, और अब सभी घर वाले खुश थे कि चलो बच्चे की जो जान की आफत थी वो दूर हो गई है। लेकिन रिकवरी के 4-5 दिन बाद ही अपने आप ही, ना उसे कोई चोट लगी ना कुछ हुआ, उसके पैर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पर एक घाव हो गया, उसे कहीं से लगी नहीं थी, वो भी बाहर आता जाता ही नहीं था, और ऐसा नहीं था कि वो मतलब घाव, छोटा सा घाव हुआ था, उससे हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था, और दिन ब दिन वो घाव बढ़ता जा रहा था। उन्होंने उसकी पट्टी करवाई, उसको दवाइयां दिलवाई, लेकिन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो घाव हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता, और चाहे कुछ भी कर लो उस घाव से थोड़ा बहुत। और एक बड़ी अजीब बात थी, वो जहां भी पैर रखता जमीन पर, पैर रखते ही उसके उस पैर के आसपास बहुत सारी चींटियां इकट्ठा होना शुरू हो जाती थी।
है आसपास चींटी हुई ना, लेकिन जैसे ही वो अपना पैर रखता है उसका ब्लड वहां पे गिरता, उस ब्लड के चारों तरफ बहुत सारी चींटियां इकट्ठा हो जाती। कई बार जब वो सोया रहता तो उसके पैर के आसपास घाव के ऊपर चींटियां घूमने लग जाती थी और दर्द से जब चिल्लाता तो उनको हटाया जाता था। घर वालों को लगा कि हो सकता है इस लड़के को डायबिटीज है, इसी वजह से इसका खून मीठा हो गया है और जहां भी इसका खून गिरता है वहां पर चींटियां इकट्ठा हो जाती है। तो हम सब करने वाले हैं उसका डायबिटीज का टेस्ट करवाया गया। डायबिटीज का जब टेस्ट हुआ तो उसको डायबिटीज नहीं थी, उसके शुगर लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल थे। फिर एक रात की बात है, कौशल अपने बेड पे सोया हुआ था, उसके साथ ही उसका भाई ऋषभ भी सोया करता था। तो रात को ऋषभ की आंख खुली, उसने देखा कि कौशल अपने बेड पर नहीं है। तो उनका जो रूम था उससे उनके घर का आंगन साफ साफ दिखता था। जैसे उन्होंने खिड़की से देखा बाहर तो देखा कि उनके घर का मेन गेट खुला हुआ है और बाहर कौशल खड़ा हुआ, ना कुछ बोल रहा है, बस एक टक एक तरफ। कौशल क्या हुआ? इतना बोलते ही धड़ाम से बेहोशों के नीचे गिर गया। ऋषभ ने फटाफट से कौशल को उठाया, अपने घर पे लेकर आया, उनकी जो चारपाई थी उस पर लिटाया और उसके बाद सारे घर वालों को वहां पर बुला के लाया। उसने बताया कि कैसे ये रात को उठकर घर के बाहर चला गया और पता नहीं कहां एक टक देखे जा रहा था। इतनी देर में कौशल को भी होश आया, वह उठा तो उन्होंने कौशल से पूछा कि बेटा क्या हो गया, तो बाहर क्यों गया था? तो उसने बोला कि मैं जब सो रहा था तो मेरी ऐसे एकदम से आंख खुली तो एक बूढ़ा आदमी कमरे के बाहर खड़ा था, कमरे के गेट पर, और वो मुझे ऐसे बुला रहा था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उठा और उसके साथ साथ जलने लगा। वो आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके एक हाथ में कोई पीछे चीज छुपी हुई थी और बस वो मुझे इस तरह से बुला रहा था। फिर घर के बाहर जाके वो खड़ा हो गया, मैं भी वहीं जाके खड़ा हो गया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगली सुबह पूरे गांव में बात फैल गई और आप तो जानते हैं गांव, गांव में जब ये बात फैली तो गांव का हर इंसान जैसे मिलने पूछने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक बूढ़े बाबा थे, वो आए और उन्होंने बेटा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बच्चे को गति आश्रम इटावा के अंदर है जो इनके गांव से 90 किलोमीटर के आसपास है। तो इनके पिताजी ने कहा ठीक है बाबूजी, और अभी दो दिन कुछ काम है, दो दिन के बाद इसको मैं गति आश्रम दिखा लाऊंगा। तो उन्होंने कहा बेटा जरूर दिखा के आना, अगर ऐसी कोई बात होगी गुरुजी हैं वो इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नाइट फिर से सेम इंसिडेंट रिपीट होता है। रात को करीबन 2 बजे के आसपास कौशल वापस अपने बेड से उठता है, बाहर जाता है और गली के अंदर जाके खड़ा हो जाता है। इस बार ऋषभ भी जागा हुआ था, ऋषभ उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि कौन है जो उसे बुला रहा है। ऋषभ को कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन आज एक और अजीब बात हो गई थी। आज उसे कौशल के पैर मुड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जो नॉर्मल इंसान के पैर होते हैं उससे एक अलग एंगल पर उसके पैर मुड़े हुए थे। वो वापस से कौशल के पास गया, जैसे उसने कंधे पे हाथ रखा वो फिर से बेहोश हो गया। वो कौशल को उठा के चारपाई पे ले आए, उसने देखा इस बार उसकी पीठ पर कुछ निशान भी बने हुए थे जैसे किसी ने उसको मारा हो। ऋषभ ने इस बार किसी को कुछ नहीं बताया, वो चुपचाप कौशल को साथ लेकर सो गया। और सुबह उठा और उठते ही उसने अपने घर वालों से बोला कि आप लोग को जब जाना हो तब जाना, मैं इसे लेकर गति आश्रम जा रहा हूं। उसने उसको लिया, वो गति आश्रम पहुंचा और वहां पहुंचकर उन गुरुजी से मिला और उन गुरुजी को उसने सबको सामान लाने को कहा। उन्होंने कहा कि यहीं पे हम हवन करना होगा, तो सामान लेकर आए और हवन स्टार्ट हुआ। हवन में टोटल 4 लोग थे, एक गुरुजी, एक ऋषभ भैया उनकी वाइफ और एक कौशल। तो हवन शुरू हुआ, एक तरफ ऋषभ भैया बैठे, बीच में कौशल था और उस तरफ उनकी वाइफ थी। और गुरुजी ने बोला कि मैं जैसे ही मंत्र का लोग आहुति डाल रहे थे, जैसे ही 7वां मंत्र खत्म हुआ गुरुजी ऋषभ और उसकी वाइफ तीनों ने आहुति डाली, लेकिन कौशल का हाथ आहुति डालने के लिए आगे नहीं आया। उन तीनों को लगा छोटा बच्चा है, 9 साल का ही तो है, ऐसे ही आहुति नहीं डाल रहा होगा। तो गुरुजी ने उसे कहा बेटा आहुति डालो। कौशल ने गुस्से में कहा नहीं कभी नहीं। ऋषभ को उसका बिहेवियर समझ में नहीं आया, उसने उसका हाथ पकड़ा और उससे आहुति डालवा दी। अगले मंत्र पर फिर से जब आहुति डालने का टाइम आया तो कौशल ने फिर से आहुति नहीं डाली। कौशल का चेहरा पूरा गुस्से से लाल हो चुका था।
जैसे आहुति डालने की बारी आई, वो छटपटाने लगा, चारों तरफ से घूमने लगा। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके सामने एक पानी से भरा हुआ कलश रखा था, उसने वो कलश उठाया और पूरा हवन के अंदर डाल दिया। डालते हवन बुझ गया। ऋषभ ने जैसे उसका बिहेवियर देखा, उसको डांट लगे, कौशल ये तुम्हारा भाई नहीं है, इससे आराम से बात करो। गुरुजी ने कौशल की तरफ देखा और उससे पूछा, कौन है तू और इस छोटे बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है? गुरुजी की बात सुनते ही उसने गुस्से से गुरुजी की तरफ देखा और जोर से सा और फिर अपना मुंह चुप बंद करके चुपचाप बैठ गया। गुरुजी ने उसको फिर से बोला, बता कौन है तू? उसने अपना मुंह बंद किया था, छोटे बच्चे बंद करके बैठ जाते हैं, और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। गुरुजी उठे, उनके हाथ में एक छड़ी थी, उन्होंने ऋषभ से बोला पीछे मत आना। गए और उस छोटे से 9 साल के बच्चे को उन्होंने पीटना शुरू किया। ऋषभ का दिल पसीज रहा था जब उसके भाई को छड़ी पड़ रही थी, लेकिन जो वो देख रहा था हर रात होता था, उसे उससे छुटकारा दिलाना चाहता था। पता नहीं ये तरीका गलत है या सही, 7-8 छड़ी पड़ने तक उस बच्चे को कोई असर नहीं। आप सोचो, 9 साल के बच्चे को अगर आप एक छड़ी मारो तो कितना फूट फूट कर रोएगा। उस छोटे से 9 साल के बच्चे को जब छड़ियां पड़ रही थी तो उसके चेहरे पे शिकन मात्र नहीं थी, और यही चीज उसकी, इसको अगर छड़ी पड़ रही और ये हिल तक नहीं रहा है तो जरूर ये मेरा छोटा भाई सिर्फ इसका शरीर है, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है। 9-10 छड़ी पड़ने के बाद अचानक से वो बोला, मैंने कहा करो है तो डंडा देना है तो जाके दे, मैंने कहा छू ना करो, मतलब मैंने क्या किया है, मुझे क्यों डंडा मार रहे हो, मारना है तो इसको मारो। तो गुरुजी ने उसे पूछा, कौन है तू पहले ये बता। तो उसने सब कुछ डिटेल बताना शुरू किया, यह है और ये मेरा भाई है राम सेवक। तो मैं बोला, तेरा भाई राम सेवक? हाँ, हम दोनों गांव में खेती किया करते थे। एक दिन राम सेवक मेरे पास में आया और मुझसे कुछ पैसे मांगे। मैंने उसको, जैसे मैंने इसको पैसों के लिए मना किया तो ये गुस्से में आया और उसने घर में रखी कुल्हाड़ी से मेरी कमर के ऊपर बहुत तेज मारा और मुझे घर के पीछे फेंक कर चला गया। मेरे शरीर में 3 दिन तक जान रही, मेरे पूरे शरीर को चीटियां काटती रही, लेकिन ये देखने भी नहीं आया कि मैं जीवित हूं या नहीं। 3 दिन बाद मैंने अपने प्राण त्याग दिए और तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं इससे बदला जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन उस जन्म में मैं इसका कुछ भी नहीं कर पाया। जिस दिन इसकी मौत हुई और जिस दिन इसने जन्म लिया, मैं भी जाकर इसकी कमर पर बैठ गया, ठीक उसी जगह जहां पर इसने मुझे मारा था, और अब मैं इससे अपना बदला जरूर लूंगा, लेकिन मैं इसे अभी नहीं मारूंगा। इसने जब मुझे मारा था, मेरा जन्मदिन था और मैं उस समय 28 साल का था, मैं भी उसको इसके 28वें जन्मदिन पर ही मारूंगा। और मैं तो बाहर आता भी नहीं, मैं इसके साथ जन्म से था, लेकिन मैं जहां बैठा था तुम लोगों ने वो जगह हटा दी, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। गुरुजी और बाकी दोनों इसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, देखो इसने जो भी किया वो पिछले जन्म की बात थी, इसने जो भी किया वो उस समय गुस्से में किया, अब ये एक अपने नए जन्म में एक छोटा सा बच्चा है, तुम इसे छोड़ दो, इसमें इस बच्चे कोई गलती नहीं थी, जो भी हुआ वो पिछले जन्म में हुआ था। उसने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना बदला जरूर लेकर रहूंगा, और जब ये 28 साल का होगा उस दिन मैं इसको मारूंगा। फिर वो एकदम जोर जोर से हंसा और उसी के साथ साथ कौशल बेहोश हो गया। गुरुजी फटाफट कौशल के पास गए, उसके सिर पर बहुत लगाई, उन्होंने ऋषभ को ताबीज दिए पहनने के लिए, और उसके बाद उन्होंने उससे कहा, देखो ये जो भी है अभी हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें इंतजार करना होगा। ध्यान रखना, जब ये 28 साल का होने वाला हो उससे 2 दिन पहले तुम इसको यहां आश्रम में लेकर जरूर आ जाना, भूलना मत। अभी कौशल की जो एज है वो 11 साल है, और जो भी चीज है, जो भी एंटिटी है, वो ये कहकर गई है कि जब ये 28 साल का होगा उस दिन ये उसको मार देगा। उसके बाद से अभी तक कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जिसमें कौशल वापस से रात को उठकर घर से बाहर चला गया हो, लेकिन आज भी
घर वालों को जब ये बात याद आती है कि इसके 28वें जन्मदिन पर इसके साथ कुछ हो सकता है, तो बुरी तरह से घबरा जाते हैं। ये इंतजार कब तक चलेगा? क्या गुरुजी कौशल को हरिया से बचा पाएंगे? क्या उसके 28वें जन्मदिन के बाद कौशल नहीं रहेगा? इन सभी सवालों का जवाब हमें उसके 28वें जन्मदिन पर ही मिलेगा। लेकिन हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कौशल के साथ ऐसा कुछ ना हो। अगर ऐसी कोई एंटिटी है भी तो वो कौशल का तो माफ कर दे, या फिर वो जो गुरुजी हैं गति आश्रम वाले, वो कौशल को उससे मुक्त जरूर करवा दे। तो ये था एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अनइमेजिनेबल एक्सपीरियंस या इंसिडेंट जो कौशल के साथ हुआ और ये अभी भी चल रहा है। इस इंसिडेंट का अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है आज वो 11 साल का है तो 17 साल के बाद हम इस कंक्लूजन को भी आपके सामने लेकर आए। बट आपका क्या कहना है इस इंसिडेंट के बारे में? क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो रहा है, ऑब्वियसली ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस जो हमारे जो अनूप ने हमारे साथ शेयर किया है, तो ऑब्वियसली ये हो रहा है। और मैं सभी से, आप सभी लोगों से चाहूंगा, कौशल के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। जैसा उस एंटिटी ने प्रिडिक्ट किया है, ऐसा कौशल के साथ कुछ ना हो, और पूरी फैमिली को भगवान हिम्मत दे इस चीज से लड़ने की, फाइट करने की और इसके ऊपर जीत जाने की। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।